अच्छा जी, यहाँ मैं गई थी घर देखने के लिए इस एरिया में, लेकिन इतना अच्छा ये एरिया नहीं है। बहुत ही अजीब सा गांव बिल्कुल लगता है ऐसे। कच्ची सड़कें, कच्चे घर, कच्चे घर तो नहीं लेकिन किराए इतने ज़्यादा इस घर में कि मतलब इस जगह पे ना गैस है तो ना पानी है, और क्या कहते हैं, सड़कें भी सारी जी सड़कें भी इधर कच्ची थी। अब ये प्लाजे बन रहे हैं मगर बहुत बड़े बड़े प्लाजे हैं, मगर बात वही आती है कि इधर पानी नहीं है। ये सेक्टर जो है ये CDA में नहीं आता। ये हम रोड के ऊपर खड़े हुए थे तो मैंने कहा चले यहाँ से भी आपको थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ। इस तरफ नज़दीकी पेट्रोल पंप भी है ये रोड के ऊपर। तो वो सजाल भाई कहने लगे कि मैं पता करता हूँ कि कहीं अपनी साइड पर कोई अच्छा घर मिल जाए, तो डीलर को कॉल कर रहे थे। तो ये एरिया है तो इस्लामाबाद का, मगर ये CDA के अंदर नहीं आता, मतलब इस्लामाबाद के अंदर नहीं आता। इस साइड पे ये है जी 12 बजे, इस तरफ से मैंने कहा चलो बना के आपको दिखाऊं। और फिर हम लोग रवाना हो गए आगे की तरफ, ये पेट्रोल पंप आ गया। और ये रोड के ऊपर ही है, मेन रोड के ऊपर पेट्रोल पंप, कश्मीर हाईवे के ऊपर है पेट्रोल पंप। इसके साथ ही एक मैकडोनल्ड था, बहुत बड़ा था, बनाया हुआ था, तो वो CDA वालों ने गिरा दिया। ये है जी H13, इसके दूसरी साइड पे हम लोग गए थे घर देखने। इस साइड पे तो मतलब ये एरिया इस टाइप का है कि जैसे इधर सारे गांव के लोग रहते हैं। यहाँ कोई प्लानिंग से कोई घर नहीं बने हुए, बड़े अजीब से कच्चे पक्के घर बने हुए हैं, इस वजह से मैंने फिर नहीं लिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। आई हुई थी मैं घर देखने के लिए, काफ़ी टाइम से निकली हुई हूँ लेकिन कोई मिल नहीं रहा। बहुत महंगे घर मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अभी भी मैं आई हूँ एक सेक्टर में, इधर भी मैं देख रही हूँ, अभी खड़े हैं हम लोग इधर एक डीलर के ऑफिस में, मैं गाड़ी में बैठी हुई हूँ तो। लेकिन ये देखें ना, घर बन भी रहे हैं मगर इतनी रेंज है, इतनी कि हमारी रेंज से बाहर है, एक एक पोर्शन इतना महंगा है। बाकी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ कौन सा सेक्टर है, कहाँ पर है घर, तो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है जी। जनाब अभी थक हार के आके बैठी हूँ, घर देखा है, एक पसंद आया घर, लेकिन रेंट उसका बहुत ज़्यादा है, मतलब मेरी रेंज से ज़्यादा है। कहा है अभी मैंने उनसे, मैंने कहा थोड़ा सा रेंट कम करवाएं, तो अल्लाह करे कि हो जाए। घर बहुत खूबसूरत है, अभी नया ही बना है, वो नीचे का पोर्शन है, ऊपर वाले पोर्शन में ऑनर खुद रहते हैं और नीचे का ये पोर्शन है। घर बहुत खूबसूरत है तो देखें, दुआ करें कि अल्लाह करे मिल जाए, तो नहीं तो और देखेंगे कोई घर। तो घर मुझे भी पसंद आया, बेटी को भी पसंद आया, इसी एरिया में है लेकिन शुरू की स्ट्रीट्स में है। तो बहरहाल अगर डन हो गया तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी घर कि कैसा है कैसा नहीं है। तो अब इफ्तारी की भी हम लोग तैयारी करते हैं, टाइम हो गया है, स्टार्ट हो गया है। तो आज मैं बनाऊंगी गोश्त, तो पड़ा हुआ है पैकेट, पड़ा हुआ है गोश्त निकाल के, तो गोश्त बनाते हैं। और साथ में मैं, क्योंकि टाइम इतना नहीं था, तो समोसे, रोल और क्या कहते हैं कचौरी मैं लेके आई थी बाज़ार से, साथ में दही भी लेती आई थी। तो अभी मैं ये चाह रही थी कि मैं इनका गोश्त बना लेते हैं। तो चलें फिर, जैसे मैं तैयारी करती हूँ तो आपको दिखाती हूँ, ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। अच्छा जी, गोश्त मैंने चढ़ा दिया है, इसमें मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और गोश्त डाल दिया। अब मैं इसमें नमक मसाला डालूँगी। इतनी ज़्यादा गैस हो गई एकदम से। अच्छा जी, ये 1 चम्मच नमक, अच्छा जी, ये जी 1 चम्मच मिर्च, मिर्च हल्की रखूंगी, एक भर के चम्मच धनिया, और 1 चम्मच हल्दी लेवल का, और ऑयल भी साथ ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल भी डाल दिया, ठीक हो गया। अब इस पे हम दे देंगे ढक्कन, ये जी हमने दे दिया ढक्कन इस पे।
तो गोश्त मैंने कहा पका लेती हूँ आज, और बाकी ये बर्तन शर्तन है। बेटा ये बर्तन धो लो रहीन, कैचअप भी खत्म है। मैं अभी गोश्त भिगो के रखा था और इसमें प्याज श्याज बनाए थे, इसको मैंने कंघाल के रख लूँ। चलो ठीक हो गया, चलें बाहर से मैं तौलिया उतार लूँ। बाहर देखें धूप भी बहुत है और साइडों से बादल भी आ रहे हैं, रात को रुडेली बारिश हो जाती है। अभी मैं ये उतारती हूँ, तौलिया अंदर लगाती हूँ, रखती हूँ। अजानें हो रही हैं, बस अभी असर की नमाज़ भी पढ़ लें, दरवाज़ा भेड़ दूँ। सोफ़ा कम बेड मैंने यहाँ ला के रखवा दिया है, मैंने कहा इधर रख दो ताकि बस अब पैकिंग करेंगे तो सामान सारा उठाएंगे फिर यहाँ से। चलें जी, नमाज़ का टाइम हो गया असर की, तो अजान भी हो रही है और नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो पकोड़े शकोड़े बनाने हैं उसका मैं मिसाला बना लूँगी, ठीक है। तो चलें नमाज़ पढ़ लें पहले। जी जनाब, नमाज़ पढ़ के फारिग हो गई मैं, और खाना मैंने चढ़ा दिया, गोश्त मैंने चढ़ा दिया है। बस अभी मैं उठूँगी तो पकोड़ों का मिसाला बना लूँगी। तो नमाज़ पढ़ के मैं फ्री हो गई हूँ, फारिग हो गई हूँ, और बस घर देखती फिर रही हूँ। तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा कहीं ना कहीं से घर, कोई ना कोई अल्लाह पाक सबब निकाल देगा। तो बहरहाल अभी तो इबादतों के दिन हैं, बाबरकत महीना है। अल्लाह पाक अपने अमान में रखे सारों को, ठीक है। और बस आप लोग भी दुआओं में याद रखा करें। चलें साथ साथ जैसे जैसे टाइम गुजरता है, जो जो काम मैं कर रही हूँ आप लोगों के साथ में शेयर करती जाऊँगी, ठीक है। चलें जी, ज़रा छत पे चलते हैं क्योंकि बारिश का पानी मुझे लगता है ऊपर खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से कमरे के अंदर सारा पानी आ रहा है। तो उसको चल के ज़रा निकाल के आते हैं, वाइपर मैं साथ लेके जा रही हूँ। ऊपर छत पे चलते हैं ज़रा। चलें जी छत पे चलें, ठीक है। बारिश का पानी निकाल के आऊँ क्योंकि सीढ़ी मुझे लगता है उधर से, या तो ऊपर नाले वाला रास्ता बंद है, यहाँ ये गंदला पड़ा हुआ था मैंने साइड पे करके रख दिया, तो सीढ़ियों पे पड़ा था। पर नाले वाला पानी रास्ता बंद है मुझे लगता है, जिसकी वजह से पानी सारा कमरे में आ रहा है। ओए होए 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 होए, ये देखिए हालत क्या हुई पड़ी है। अल्लाह माफ़ी, देखा ना मैंने पहले कहा था वो रास्ता बंद हुआ हुआ है पर नाले वाला। देखें ये देखें, इधर से भी बंद है, तभी तो ये सारा पानी खड़ा हो रहा है इधर। ठहरें कोई लकड़ी लेते हैं, उससे रास्ता खोलती हूँ मैं। हैं जूता भी मेरा सारा ख़राब हो जाएगा, नया जूता है मेरा। नाले को खोलें ताकि ये पानी निकले सारा इधर, ऐसे ये देखें। दूसरी साइड का भी खोल दूं मैं, इधर से भी रास्ता खोलें। हाथ भी सारे गंदे हो गए। इधर से मैंने कहा ऐसे निकालती हूँ थोड़ा पानी, जगह थोड़ी सी साफ़ होती है ना फिर पानी इजीली निकल जाता है, क्योंकि काई जमी हुई है ना ये। जब तक ये जगह साफ़ नहीं होगी तो पानी को रास्ता नहीं मिलेगा। उधर से रास्ता बनाए पानी का।
ये पौधे उखेड़ने पड़ेंगे। छत के ऊपर पता नहीं इतने खुदरा पौधे हो जाते हैं, कोई पता नहीं चलता एकदम से। जाके सारा पाँव शाँव भी धोने पड़ेंगे। ये देखे ना, ये काई जमी हुई है ना, ये वाली, ये उसकी वजह से फिर पानी नीचे जाता नहीं है। इधर भी ये काई है ऐसे, अब निकल जाएगा पानी सब छत के ऊपर से। चले अब निकलता रहेगा पानी, अब हम चलते हैं। छत बहुत गंदी हो रही है, ये देखिए। बस अब जिनका घर है वो आएंगे और खुद ही सही साफ सुथरी करेंगे छत को अपनी। हमसे तो जितना हो सकता था हम लोगों ने किया, जब तक रहे हैं इसको साफ सुथरा करके रहे हैं। चले ऊपर से भी आपको नज़ारा करवा दूँ। सामने वो जुनेद और दाऊद खड़े हुए हैं। यहाँ गाड़ियाँ पार्क होती हैं। चले चले नीचे चलते हैं, अब चले नीचे चलते हैं, इफ्तारी का सामान करते हैं, तैयारी करते हैं इफ्तारी की। वाइपर मैंने ले ली है और वो सामने बच्चे भी खड़े हुए ऊपर। ठीक है, अब हम चलते हैं और अपनी इफ्तारी का तैयारी शुरू कर देते हैं। नीचे चलते हैं सीढ़ियों से। ये बाहर का नज़ारा, ये जी नीचे आ गई मैं इधर से। वाइपर को हम यहाँ पे रखे हैं। चले हाथ धो लूँ मैं। जूता भी धोऊं जाके। अच्छा जी, इफ्तारी भी बना ली मैंने, पकोड़े बनाने थे वो बना लिए, सालन बना लिया, रोटी बना ली। दिखा मैं इसलिए नहीं सकी कि मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो वो चार्जिंग पे लगाई हुई, तो अभी ऑन किया मोबाइल मैंने ना। तो अभी जब जैसे इफ्तारी के लिए सामान लगाएंगे ना, तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी जो जो मैंने बनाए हैं। ठीक है, ये जी हमारा दस्तरखान। ये मैंने पकोड़े बनाए खुद ही घर पे, आज इस तरह के बनाए हैं। ये बाज़ार से बेटी मेरी ने कहा था कि मुझे पकौड़े समोसे कचौरी और रोल ला के दें, ये मैंने वहाँ से लिया। ये मैंने सालन बनाया है, मैंने कहा साथ ही हमने रोटियां बना के रखी हुई हैं, साथ ही रोटी खा लेंगे। ये खजूरें, चटनी और ये शरबत। टैंग बनाया आज, रूफ़ा नहीं बनाया आज, सिर्फ टैंग बनाया हमने ना। तो ये जी हमारी छोटी सी इफ्तारी है। तो आएँ आप सब लोग भी हमारे साथ इफ्तारी करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक मेरे इस दस्तरखान को वसी करे और ज़्यादा वसी करे, ताकि मैं रोज़ा इफ्तारी करवा सकूँ लोगों की। अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे। ठीक है।